हेलो स्टूडेंट्स आई हरनीत सिंह वेलकम यू ऑल एट अनु जिंदल डॉट इन तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल पेपर तो मैंने क्वेश्चन उठाया है 2020 में से इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन तो आज हम इसे सॉल्व करना देखेंगे और अटेम्प्ट करेंगे सो लेट्स बिगिन जेड लिमिटेड प्रोस्पेक्टर्स ऑफरिंग टू लैक इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन ईच ऑन फॉलोइंग टर्म्स टर्म्स क्या है हमारे पास कि एक रुपए होंगे और फिर हमारे फाइव रुपीज अलॉटमेंट जिस में जिसमें टू रूपीज का हमारा प्रीमियम हो गया अलॉटमेंट पे उसके बाद थ्री रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड थ्री रुपीज ऑन फाइनल कॉल ये हमें ग्यूवन है उसके बाद बोला गया है एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 327000 शेयर्स ऑन 23rd अप्रैल मतलब जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है वो 23rd अप्रैल को हुई है डेट्स गिवन है तो मतलब हमें जर्नल एंट्रीज पास करते वक्त ध्यान रखना होगा आगे सीरियल नंबर में हमें डेट्स डालनी पड़ेंगी प्रॉपर सीरियल नंबर नहीं लिखना उसके बाद गिवन है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 30th अप्रैल जो अलॉटमेंट हुई है वो हुई है हमारी 30th अप्रैल को उसके बाद यहाँ पे गिवन है कि जो फर्स्ट कॉल हुई है वो थ्री मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट है मतलब जो फर्स्ट कॉल हुई होगी वो कब हुई होगी हमारी थर्टी जुलाई को और जो फाइनल कॉल हुई होगी वो हुई थर्टी एथ अक्टूबर को तो इन डेट्स को हमें ध्यान रखना है कि कब कब हमारी अलॉटमेंट की डेट है कब फर्स्ट कॉल और कब फाइनल कॉल की डेट्स हैं उसके बाद गिवन है क्वेश्चन में कि कैसे कैसे अलॉटमेंट हुई है मतलब हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स हुई है कंपनी ने इश्यू कितने करने हैं टू लाख शेयर और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने की हुई है थ्री लाख ट्वेंटी और इसको अलॉट करने के के लिए कंपनी कंपनी ने मेथड यूज किया है प्रोराटा अलॉटमेंट या तो के पास ऑप्शन होता है कि कुछ को एक्सेप्ट करके कुछ को रिजेक्ट कर दे बट यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है मिक्सचर अपनाया है कईयों को तो फुल में एक्सेप्ट कर लिया मतलब जिन्होंने अप्लाइड करा था थाउजेंड शेयर्स के लिए उनको तो अलॉटमेंट इन फुल हो गया

जिस पर्सन ने थ्री शेयर मांगे थे उसे कंपनी ने अलॉट करे हैं टू शेयर टू थर्ड ऑफ द शेयर जिसने थ्री शेयर्स मांगे थे उसे अलॉटमेंट हुई है टू शेयर की और टोटल अलॉटमेंट कितनी हुई है टोटल अलॉटमेंट कितनी हुई है वन लाख सिक्सटी थाउजेंड शेयर्स की मतलब ये कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है एट्टी थाउजेंड से मतलब कंपनी को एप्लीकेशन मनी कितने की रिसीव होगी थ्री इन टू एंड रुपीज थाउजेंड मतलब टू लैख फोर्टी थाउजेंड शेयर्स इसका मतलब क्या हो गया अगर मैं इनमें देखूं तो अलॉटमेंट में हमारे अलॉटमेंट हुई है थर्टी एट थाउजेंड के लिए अप्लाइड करा था उन्हें थर्टी एट थाउजेंड अलॉट हुए हैं जिन्होंने टू लैख फोर्टी थाउजेंड के लिए अप्लाइड करा था उन्हें वन लाख थाउजेंड शेयर अलॉट हुए हैं। आगे करें आगे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है अलॉटेड ऑफ शेयर मतलब जिन्होंने के लिए एप्लीकेशन मनी डाली थी जिन्होंने फोर थाउजेंड के फोर के लिए फोर शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने अलॉट करा है सिर्फ वन शेयर उन्हें कंपनी ने अलॉट करा है वन शेयर और टोटल अलॉटमेंट कितनी हुई है टू थाउजेंड की थाउजेंड शेयर की तो मतलब टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई हो हमारे पास टोटल एट थाउजेंड एप्लीकेशन मनी पेजेंड शेयर कैलकुलेट कर लिया इस इंफॉर्मेशन में से चलो आगे चले आगे क्या बोला हुआ कैश अमाउंटिंग रुपीज फोर्टी वन थाउजेंड फॉर फोर्टी नो अलॉटमेंट वॉज मेड मतलब इनमें से फोर्टी वन थाउजेंड एप्लीकेशन ऐसी थी जिनको कंपनी ने कुछ भी अलॉटमेंट नहीं करी आगे बोला हुआ है अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव ड्यू डेट एक्सेप्ट ऑन फाइनल कॉल ऑफ मतलब ये हमारा कॉल इन एरियर्स गिवन है कि जिन्होंने पेमेंट नहीं करी शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड रीशूड यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज विदाउट नेरेटिव अब यूपीएससी में क्या होता है हम डायरेक्टली एम कॉम या फिर अपने सी ए के एग्जाम्स की तरह डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देना होगा क्वेश्चन का ताकि क्वेश्चन ज्यादा प्रेजेंटिव लगे उसकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हुए तो इंट्रोडक्शन में हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जैसे कि मैंने क्या किया शेयर्स के बारे में डेफिनेशन दे दी फिर उसके बाद क्या किया शेयर होल्डर्स कौन होते हैं फिर हमारे क्वेश्चन में क्या था प्रीमियम का केस था मैंने उसमें डिस्कस कर लिया कि ये इशूडेड प्रीमियम है और प्रीमियम को कहाँ-कहाँ कंपनी यूटिलाइज कर सकती है वो हमने यहाँ पे लिख दिए उसके बाद ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है हमारे क्वेश्चन में और फिर मैंने लिख दिया कि किस किस रेशियो में कंपनी ने अलॉटमेंट करी और उसके बाद डिटेल्स दे दी फिर साथ, -साथ ये भी मैंशन कर दिया कि हाँ जो हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं या जिनकी नॉन पेमेंट हुई है उनको हमने कहा ट्रांसफर करा कॉल इन एरियर्स अकाउंट में ये इन्फॉर्मेशन क्यों कर दी क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन होते थे कि या तो हम उसी अकाउंट में पड़े रहें कि फर्स्ट कॉल जैसे अगर वो नहीं पे कर रहा तो उसे हम फर्स्ट कॉल पे ही पड़े रहें अमाउंट को ड्यू अमाउंट को या दूसरा ऑप्शन क्या होता था हम कॉल इन एरियर्स अकाउंट को ओपन कर लेते थे तो मैंने मेंशन कर दिया इंट्रोडक्शन में ही कि जो अमाउंट रिसीव नहीं हो रही उस पर्पज के लिए मैं कॉल इन एरियर्स अकाउंट को ओपन कर रहा हूं फिर आगे हमने बात कर दी थी कि वो हाँ वो जो हैं वो हुए है और जो जो का है है वो कहा जाता है हमारे रिजर्व में मतलब जो जो इंफॉर्मेशन में है तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं है, कौन से में है? फिर हम ये बात कर सकते हैं इशूड के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं कि हमारा पार होता है डिस्काउंट होता है जिसमें से कंपनी ने कौन सा चूज करा प्रीमियम चूज करा तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अब जब जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे वर्किंग नोट तो के में टेबल क्रिएट के कर लेंगे जिससे हमारे जर्नल एंट्रीज पास करना बहुत ही आसान हो जाए तो अब ये टेबल को फुल आ, हम कंप्लीट करते हैं तो जिन्होंने अप्लाइड करा था एट थाउजेंड शेयर के लिए जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन करी उन्हें अलॉट कितने हुए थे थर्टी एट थाउजेंड शेयर्स फिर जिन्होंने अप्लाई करा है टू लैख फोर्टी थाउजेंड शेयर्स के लिए उन्हें अलॉट हुए वन लैख सिक्सटी थाउजेंड शेयर्स फिर जिन्होंने अप्लाई करा है एट थाउजेंड शेयर्स के लिए उनको अलॉट हुए हैं टू थाउजेंड शेयर्स ये वही कैलकुलेशन है जो भी हमने ऊपर क्वेश्चन में करी थी जिन्होंने अप्लाई करा था फोर्टी वन थाउजेंड शेयर के लिए उनको हमने कुछ भी अलॉट नहीं करा तो टोटल एप्लीकेशन मनी हमने थ्री लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड शेयर की और हमने अलॉट कितने करे हैं टू लैख ,00 शेयर यह सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी अब हम टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं के के स में अगर हम इस बिना टेबल के जाएंगे तो हमारे लिए जनरल एंट्रीज पास करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा अब इस टेबल के थ्रू हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी मनी कहा ट्रांसफर हो रही है अब ध्यान से सुनिए सबसे पहले हम इसे टैकल करें जिनको हमने कोई अलॉटमेंट नहीं करी इन फोर्टी वन थाउजेंड शेयर को अब इन फोर्टी वन थाउजेंड पे मनी कितनी रिसीव्ड हुई होगी फोर्टी वन थाउजेंड रुपीज क्योंकि हमने अभी ऊपर क्या देखा एप्लीकेशन मनी पे सिर्फ डिपॉजिट करना था तो इनको पास हमारे पास एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी फोर्टी वन थाउजेंड रिसीव अब इनको कोई ट्रांसफर तो करना नहीं हमने एप्लीकेशन में अगर इनको अलॉटमेंट नहीं हुई तो कंपनी जो इनसे पैसा आया है एप्लीकेशन मनी का उसका क्या करेगी इन फोर्टी वन थाउजेंड रुपीज को कंपनी क्या करेगी रिफंड कर देगी ये करेगी कंपनी फोर्टी वन थाउजेंड को रिफंड कर देगी फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट थर्टी एट थाउजेंड की जिनको फुल अलॉटमेंट होगी इन्होंने कितनी एप्लीकेशन मनी जमा कराई होगी थर्टी थाउजेंड शेयर के लिए अपलाइड किया तो सर थर्टीड रुपीज एजन रुपीज के अकॉर्डिंग थर्टी एट थाउजेंड रुपीज इन्होंने भी एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट कराई होगी इनका सारा पैसा कहां चला जाएगा एप्लीकेशन के तरो, के ऊपर क्योंकि इनके पास इनके लिए हमारे पास कोई एडवांस तो है नहीं इन्होंने कोई एडवांस नहीं जमा करवाया तो अलॉटमेंट में और कॉल में और रिफंड कुछ नहीं होगा इनको ना अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा ना कॉल में ट्रांसफर होगा ना ही रिफंड होगा अब नेक्स्ट बात करते हैं जिन्होंने अप्लाई करा था लैक शेयर्स के लिए इन्होंने कंपनी को एप्लीकेशन कितनी दी होगी तो सारा पैसा तो रख नहीं सकते हमने क्या करा होगा सिर्फ रखेंगे कितना वन का। बाकी जो बचा हुआ एडवांस है वो हम कहा ट्रांसफर कर देंगे जो एडवांस बचा हुआ ट्रांसफर वो कर देंगे हम अलॉटमेंट में और अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने से पहले हमें एक चीज चेक कर लेनी है क्या चेक कर लेनी है कि इनकी अलॉटमेंट बनी बंद बन कितने की रही है देखो वन लाख सिक्सटी थाउजेंड शेयर है वन लाख सिक्सटी थाउजेंड पे अगर मैं फाइव रुपीज के अकॉर्डिंग भी लगाऊं फाइव रुपीज है इनकी अलॉटमेंट बनी तो फाइव के अकॉर्डिंग लगाऊं तो ये हमारी अमाउंट बनती है एट लाख रुपीज एट लाख रुपीस तो अब एट लाख हमारा एट्टी थाउजेंड छोटा ही है मतलब जो हमारे पास एडवांस आ रखा है वो कम आ रखा है अलॉटमेंट में अभी और लेने हैं इनसे अगर ये होता मेरा कि जो एप्ली अलॉटमेंट में हमारा कम लेना होता यहां पे होता सपोज पे अलॉटमेंट की अमाउंट हमारी तो मैं क्या करता यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड रखता अलॉटमेंट में और बाकी थर्टी थाउजेंड कहा शिफ्ट कर देता एडवांस एज अ कॉल कॉल का एडवांस मान लेता उसे मैं तो हमें ये ध्यान रखना है लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है कि जितना हमारा वो है एडवांस है वो हमारा सिर्फ अलॉटमेंट में ही ट्रांसफर हो रहा है फिर बात कर लू नेक्स्ट एट थाउजेंड की तो ट्रांसफर होगी क्योंकि अलॉटेड शेयर कितने सिर्फ टू थाउजेंड अब एट थाउजेंड में से मैंने टू थाउजेंड तो एप्लीकेशन में डाल दिए बचे कितने अलॉटमेंट में देने कितने हैं इन अलॉटमेंट में देने हैं 2000 5 10000 एडवांस बचा हुआ सिर्फ 6000 तो मतलब मेरा सारा का सारा एडवांस कहाँ चला जाएगा अलॉटमेंट में ठीक है मतलब मेरे पास कॉल का कोई एडवांस इस केस में भी नहीं आया समझ आया मैंने इस टेबल के थ्रू क्या किया इस टेबल के थ्रू मैंने जो एप्लीकेशन मनी आई है उसको ट्रांसफर कर दिया हर जगह अगर एडवांस है तो एडवांस अगर रिफंड का केस है तो रिफंड का केस अब इसका हम टोटल कर लेंगे तो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड होगी वो टोटल हमारे को इतनी होगी थ्री लैख ट्वेंटी और जो ट्रांसफर करी होगी वो टू लैख शेयर के अकॉर्डिंग ही करी होगी टू लैख रुपीज अलॉटमेंट का एडवांस आया हुआ है वो आया हुआ है एटी सिक्स थाउजेंड रुपीज और जो हमने रिफंड कर दिया वो फोर्टी वन थाउजेंड रुपीज और इसको हम चेक भी कर सकते हैं जो ये हमारा ये टोटल है ये किसके बराबर होगा जो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कोई थ्री लैख ट्वेंटी पहले हमने एक वर्किंग नोट बनाया और अब क्वेश्चन जनरल एंट्रीज पास करेंगे इसको देखते देखते पास करेंगे अब हमारा ये क्या है एक कॉल इन तो कॉल इन एरियर्स से पहले मतलब जो फाइनल कॉल पे हंड्रेड शेयर्स का था क्वेश्चन में क्या गिवन था क्वेश्चन में गिवन था जो हंड्रेड शेयर्स हैं वो फाइनल कॉल की नॉन पेमेंट हुई है मतलब फर्स्ट कॉल तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली तो सबसे पहले मैं क्या काम कर लेता हूँ फर्स्ट कॉल तक की सारी एंट्रीज को पास कर लेता हूँ तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी डेट्स को भी हमें याद रखना है ट्वेंटी अप्रैल तो ट्वेंटी अप्रैल को मेरी पहली एंट्री होगी तो ट्वेंटी अप्रैल को मेरी फर्स्ट एंट्री होगी जिसमें मेरे को क्या होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं टू शेयर इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिटेड कितनी अमाउंट थी थ्री लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थ्री लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें कोई नरेशन नहीं डालनी तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई यही काम होता है फिर नेक्स्ट काम क्या होता है हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देते हैं अलॉटमेंट वाले दिन कहां कहां ट्रांसफर होगा पहले क्या हुआ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट था उसको हर जगह ट्रांसफर करेंगे थ्री लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड रुपीज को ट्रांसफर होगा एक तो हमारा शेयर एप्लीकेशन को जो मेन शेयर एप्लीकेशन का ही पैसा है वो कहां ट्रांसफर होता है शेयर शेयर कैपिटल में तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल फिर जो एडवांस आ रखा है किस किस का एडवांस आ रखा है अलॉटमेंट का एडवांस था हमारे पास तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और फोर्टी वन थाउजेंड वालों को हमने रिफंड करा था तो बैंक अकाउंट अब इनकी अमाउंट देखाते हैं हम अपने टेबल से कि कितना हमने एप्लीकेशन में ट्रांसफर करा था देखो एप्लीकेशन में था हमारा टू लाख रुपीस ये हमारा किसका पार्ट हो जाएगा शेयर कैपिटल का क्योंकि अब ये पैसा हमने एक्सेप्ट कर लिया ये हमारा शेयर कैपिटल का पार्ट हो गया एडवांस में आ रखा है एटी और रिफंड कर रहे हैं हम फोर्टी वन तो शेयर कैपिटल में हमारा चला जाएगा टू लाख रुपीज अलॉटमेंट में कितना जाएगा हमारा एटी सिक्स थाउजेंड रुपीज और रिफंड फोर्टी वन थाउजेंड वालों को कर दिया हमने ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई सबसे पहले हमने क्या किया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करी सेकेंड काम किया एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करी तो भैया आपने अलॉटमेंट वाली डेट क्यों डाली अलॉटमेंट वाली डेट इसलिए डाली क्योंकि जब एप्लीकेशन मनी को हम कब ट्रांसफर करेंगे जब हमारी अलॉटमेंट हो जाएगी ना जिस दिन कंपनी अलॉट करेगी शेयर्स उसी दिन उनका एक पैसा एक्सेप्ट कर लेगी जिनका अलॉटमेंट करी थी और इसी दिन हमारी अलॉटमेंट भी ड्यू कर देंगे हम तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फिर साथ साथ याद रखना है अब ये पार का केस है प्रीमियम का केस है या डिस्काउंट का केस है प्रीमियम का केस है तो हमारा क्या होगा एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी क्रेडिट होगा ध्यान से समझिएगा हमारे साथ होता क्या है सबसे पहले कंपनी क्या करती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद क्या होता है अलॉटमेंट का दिन आता है अलॉटमेंट के दिन कंपनी क्या कहती है कि जी आप आपको अलॉटमेंट हुई है लाओ अलॉटमेंट का पैसा जमा कराओ लोगों का पैसा पहले नहीं आता

ठीक है अभी अलॉटमेंट मनी की ड्यू की अमाउंट देखते हैं कितने रुपए की अलॉटमेंट मनी थी फाइव रुपीज की जिसमें से फाइव रुपीज की अलॉटमेंट मनी थी जिसमें से हमारा हमारा था था फेस वैल्यू थी और प्रीमियम ठीक है तो थ्री वाला पैसा वो हमारा जो थ्री रुपीज होंगे जो फेस वैल्यू के थे वो कहा जाएंगे शेयर कैपिटल में और जो टू रुपीज वाला था वो कहा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने शेयर थे टू लैख शेयर्स टू लैख शेयर्स पे फाइव रुपीज मंगवाने हमने तो कितने हो गए ये टू लाख पे फाइव रुपीज तो ये टेन लाख रुपीज टेन लाख रुपीज जिसमें से थ्री रुपीज हमारे मतलब थ्री रुपीज के अकॉर्डिंग थ्री इंटू टू लाख सिक्स लाख रुपीज हमारे कैपिटल में चले जाएंगे बचे हुए फोर लाख हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा ये हमारी एंट्री हो गई जब हम अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं ठीक है अब मान लीजिए कंपनी उसमें हमारे को क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि अलॉटमेंट की मनी कब रिसीव्ड हुई है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि उसे दिन हमें अलॉटमेंट की मनी भी रिसीव्ड हो गई तो अलॉटमेंट की मनी हमें रिसीव्ड हुई थर्टी एथ को तो जब पैसा आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट

और फिर ध्यान रखेंगे एडवांस कितने का रखा है हमारे पास एटी सिक्स थाउजेंड रुपीज का तो जो शेयर होल्डर ऑलरेडी एडवांस दे रखे हैं क्या वो अलॉटमेंट में उस एडवांस का पैसा जब जम दोबारा जमा करवाएंगे नहीं करवाएंगे तो बच कितने गए मीन्स हमारे पास अलॉटमेंट में कितनी मनी रिसीव्ड होगी कॉल कैलकुलेट कर लेते हैं टेन लैख माइनस एटी सिक्स थाउजेंड आ गया हमारे पास नाइन लैख फोर्टीन थाउजेंड तो मतलब टोटल हमारे पास पैसा आएगा नाइन लैखी थाउजेंड रुपीज अलॉटमेंट में सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू और अलॉटमेंट रिसीव्ड था अब हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू और फर्स्ट कॉल रिसीव्ड करेंगे और फर्स्ट कॉल ड्यू और रिसीव्ड की डेट क्या है फर्स्ट कॉल की डेट है हमारे पास 30th जुलाई 30th जुलाई तीन रुपए का ठीक है तो 30th जुलाई को हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी जिसमें क्या होगा हम सबसे पहले क्या करेंगे ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल यही होता है कंपनी क्या कहेगी आओ शेयर होल्डर्स को आओ पैसे दो फिर शेयर होल्डर पेमेंट करेंगे तो पहले ड्यू की एंट्री ड्यू की एंट्री क्या होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड विद टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फिर यहां पे रुकना है चेक करना है पार पे हुआ है प्रीमियम है कुछ या नहीं है कोई प्रीमियम नहीं था हमारे केस में तो ये मतलब सिंपल केस हो गया हम यहीं पे रोक देंगे अमाउंट कितनी आ जाएगी थ्री रुपीज मंगवाए हैं टू लैख शेयर्स पे तो सिक्स लाख रुपीज हो गए तो सिक्स लाख ,00 रुपीज हमारा क्या हो गया हमने फर्स्ट कॉल कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी सिंपल चीज और सेम चीज हम रिसीव्ड भी कर लेंगे क्योंकि इसमें भी कोई कॉल इन एरियस नहीं था तो बैंक अकाउंट डेबिटेड पैसा आ गया कंपनी के पास किसके कारण से आया क्योंकि तो कंपनी ने अपनी फर्स्ट कॉल मंगवाई थी तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट सिक्स लाख रुपीज ठीक है ये हमारी एंट्रीज हो गई फर्स्ट कॉल तक की अब नेक्स्ट काम क्या करना है फाइनल कॉल की बात आ गई फाइनल कॉल में भी क्या होगा ड्यू और रिसीव्ड तो सबसे पहले ड्यू करते हैं फाइनल कॉल को तो फाइनल कॉल की ड्यू की डेट क्या है फाइनल कॉल की ड्यू की डेट है थर्टी हमारा अक्टूबर और थ्री रुपीज ये हमारी फाइनल कॉल है तो थर्टी एथ अक्टूबर को ड्यू की एंट्री क्या होगी इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड कितने सिक्स लाख ,00 रुपीज ही क्योंकि इधर भी थ्री रुपीज ही मंगवाए हुए हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना सिक्स लाख ,00 रुपीज ठीक है ये हमने क्या करा अपनी फाइनल कॉल को ट्यू कर दिया नेक्स्ट काम क्या होता है फाइनल कॉल फाइनल कॉल को रिसीव करना और रिसीव की एंट्री क्या होती है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्योंकि फाइनल कॉल के अकॉर्डिंग हमारे पास पैसा आ रहा है लेकिन जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि फाइनल कॉल में हमारा कॉल इन एरियस हो रहा है मतलब कुछ शेयर होल्डर्स हमारी फाइनल कॉल को पे नहीं कर रहे तो उस पॉइंट को हमें दि, दिमाग में रखना होगा और कॉल इन एरियस का अकाउंट क्रिएट करेंगे जिन्होंने पेमेंट नहीं करी मतलब उसको हम क्या बनाएंगे एज अ डेटर बनाएंगे कि हाँ उनसे पैसा लेना है अभी द टोटल हंड्रेड शेयर्स ने पेमेंट नहीं करी तो हंड्रेड शेयर्स पे क्या हो गया हंड्रेड शेयर्स को हम कॉल इन एरियर्स में लिखेंगे तो यहां पे हम एक अकाउंट बनाएंगे कॉल इन एरियर्स अकाउंट कॉल इन एरियस अकाउंट मतलब इनको मैंने एज ए डेटर बना लिया इस अकाउंट को कि इस अकाउंट से मेरे को भी पैसा रिसीव्ड होना है कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट हंड्रेड शेयर्स पे थ्री रुपीज तो थ्री हंड्रेड और बाकी हुए पे मतलब हमें सारा पैसा मिल गया मतलब वन लैख हा हो गया सिर्फ हंड्रेड शेयर्स है ना तो हमारे टोटल टू लैख शेयर्स है बचा हुआ पैसा कितना हो गया टोटल सिक्स लाख ,00 आना था जिसमें से थ्री हंड्रेड रुपीज नहीं आए तो कितने आगे फाइव लैख नाइनटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्स लैख रुपीज में से थ्री हंड्रेड रुपीज नहीं आए टोटल कितने गए होंगे हमारे पास फाइव लैख नाइनटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड टोटल हमारा ये हमने रिसीव कर लिया फाइनल कॉल मतलब हमने क्या करा कॉल इन एरियर्स अकाउंट खोल लिया अब आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप बिना कॉल इन एरियर्स अकाउंट खोले भी उस पैसे को शेयर फाइनल कॉल में ही पड़े रहने दें और मैंने यही इंट्रोडक्शन में मैंशन भी कर दिया था कि हाँ मैं कॉल इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर रहा हूँ एरियर्स के पर्पज से ये हमारी सारी एंट्रीज पास हो गई इशू से रिलेटेड पहले हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कॉल मनी ड्यू कॉल मनी रिसीव्ड फाइनल कॉल ड्यू फाइनल कॉल ये हमने किया। अगला काम है हमारा फॉरफीचर का चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं द अमाउंट यू वर रिसीव्ड ऑन फिफ्टीन डेट याद रखेंगे को forfeit करना है शेयर तो फॉरफिट करते हैं रीश को थोड़ी देर बाद देखते हैं तो so फॉरफिट कितने शेयर हैं हंड्रेड शेयर हैं फिफ्टींथ नवंबर को फॉरफिट में होता क्या है कंपनी क्या ज्यूम करेगी कि हमने शेयर अलॉट ही नहीं करे या जो अलॉट करे हैं वो वापसी कर दिए अब जब शेयर अलॉट कर रही थी कंपनी या जब हम ये ट्रांजेक्शन पास कर रहे थे अपनी एंट्रीज पास कर रहे थे कॉल्स वगैरह की तो हम सारा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे इक्विटी शेयर कैपिटल में एट एंड ऑफ द डेट सारा पैसा हमारा कैपिटल का जाता कहां पे है इक्विटी शेयर कैपिटल में अब जब हम फॉरफीचर कर रहे हैं मतलब हम उन शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं तो अब कंपनी क्या करेगी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर लेगी जितने शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं उससे तो होगा क्या पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे अब रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे डेबिट कर देंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर से 100 शेयर से और कितने पैसे मंगवा चुकी है कंपनी ₹10 मंगवा चुकी है पूरे के पूरे ₹10 ₹10 में ट्रांसफर कर रहे थे ना कंपनी ने कैपिटल में तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल थाउजेंड रुपीज तो इक्विटी शेयर कैपिटल थाउजेंड रुपीज हंड्रेड इन टेन ठीक है फिर जो हमारा कॉल इन एरियर्स अकाउंट था जब हमने उसके शेयर्स वो कर दिए फॉरफिट कर दिए कैंसिल कर दिए क्या वो हमें फ्यूचर में पेमें पेमेंट करेगा नहीं करेगा और कितनी वो पेमेंट कर चुका है हमें सेवन हंड्रेड रुपीज कर चुके हैं जो एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास आ चुके हैं उसके पैसे उसके जो अमाउंट वो पे कर चुका है शेयर होल्डर वो सारा हम कहा किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे फॉर फ्यूचर अकाउंट में या फॉर ये क्वेश्चन एक सिंपल केस था लेकिन अगर कोई टफ क्वेश्चन आता तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रीमियम पे हुआ है या नहीं हुआ कितनी अमाउंट उसने पे कर दी है हमारे केस में क्या था प्रीमियम पे कर दिया था जब प्रीमियम पे कर दिया होता है तो हम उसे कैंसिल नहीं करते ठीक है ना ये तो याद था जब कम कोई भी शेयर होल्डर प्रीमियम पे करता है और उसके बाद फॉरफ्यूचर होता है तो हम प्रीमियम को कैंसिल नहीं करते सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल करते हैं अगर प्रीमियम पे नहीं किया होता तो हम प्रीमियम को भी डेबिट करते प्रीमियम को भी कैंसिल करते लेकिन इस केस में क्या है प्रीमियम को पे कर दिया तो उसे हमें डेबिट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं ये हमारी हो गई फॉरफ्यूचर की एंट्री ठीक है अब नेक्स्ट काम क्या हो रहा है रीशू रीशू हो रहा है रीशू में क्या केस है तो इन्होंने बोला है री इशू टू ए ऑन सिक्सटींथ ऑन पेमेंट ऑफ नाइन पर शेयर मतलब हमने क्या करा है डिस्काउंट पे इशू कर दिया है नाइन रुपीज पे ठीक है आइए अब ये क्वेश्चन डिस्कस कर लें सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा दे रखा है हमें सिक्सटीन नवंबर ये नवंबर था ठीक है ना सिक्सटीन नवंबर पे जब नाइन रुपीज के अकॉर्डिंग हुआ है और कितने शेयर्स इशू करें ये भी देख लें एक बार सारे कर दिए हैं या नहीं ठीक है एंड इश्यू टू ए ऑन ऑन द पेमेंट ऑफ नाइन रुपीज पर शेयर सारे शेयर्स कर रखे हैं हमें ध्यान रखना है अगर फ्यू शेयर अलॉटेड है रीइूड uh, हैं तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है इस केस में सारे के सारे शेयर रीइशूड हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा कितना रुपए आएगा नाइन रुपीज आएंगे कितने शेयर्स पे हंड्रेड शेयर्स पे तो टोटल नाइन हंड्रेड रुपीज आएंगे ठीक है और हमने डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट को कहां से हम यूज करते हैं कहां से हमने डिस्काउंट दिया है सबसे पहले किस अकाउंट को यूज करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को यूज करेंगे इसके लिए तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितने का डिस्काउंट दिया है वन रुपीज का हंड्रेड शेयर्स पे तो हंड्रेड रुपीज और ये सारा पैसा कहाँ चला जाएगा वापसी इक्विटी शेयर कैपिटल में मतलब एक तरह से हमने शेयर्स को दोबारा रीइू कर दिया जो शेयर्स को हमने पहले कैंसिल किया था अब उसे दोबारा मार्केट में रीइू कर दिया तो वही हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को दोबारा अपनी थाउजेंड रुपीज से बढ़ा दिया अब ये फर्क है कि हमने उससे नाइन हंड्रेड रुपीज तो ए से ले है बाकी वन हंड्रेड रुपीज का डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट के केस में हमें याद रखना है सबसे पहला कहां से यूटिलाइज होगा पैसा जितना डिस्काउंट हम उतना ही देते हैं जितना हमारा फोर में पैसा पड़ा है ठीक है तो फोर में तो भी जो सफिशेंट बैलेंस पड़ा है तो हम आराम से हंड्रेड रुपीज दे सकते हैं अब लास्ट काम क्या होता है हमारा लास्ट काम क्या होता है जो फॉरफिटेड में सरप्लस पड़ा है जो फॉरफिटेड में सरप्लस पड़ा है हमारे पास उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे मतलब जब हमने पहले इशू करा था तो फॉरफिटेड में हमारे पास सरप्लस कितने का टोटल मतलब अमाउंट कितनी ट्रांसफर हुई थी सेवन हंड्रेड और जब हमने री इशू करा तो हमने उसे यूटिलाइज कितना करा सिर्फ हंड्रेड रुपीज मतलब जो सिक्स हंड्रेड रुपीज का एक्सेस बच गया हमारे पास उसको हम कहा ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में टू फॉरफिटेड अकाउंट इससे हमारा फोरफिटेड अकाउंट है वो भी क्लोज हो गया ट्रांसफर क्या हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट सिक्स हंड्रेड रुपीज इससे क्या हुआ हमारा कैपिटल फॉरफिटेड अकाउंट भी क्लोज हो गया और एक्स्ट्रा पैसा हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया ये सिंपल केस था हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान रखना है कि अगर फ्यू शेयर अलॉटेड हो रहे हैं मतलब जितने फॉरफिट हुए हैं उतने टोटल हमारे रीशू नहीं हो रहे तो उस केस में हमें फॉरफिट अलग तरीके से निकालना होता है कि कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा वो हम उस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट था कि सारे ही रीशू हो रहे थे तो जितना पैसा बचा हमने उसे कहा ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन आज की क्लास के लिए इतना ही बाय बाय टेक केयर सी यू सून